और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जयंत को आजम के परिवार के पास नहीं भेजा, ये सवाल आप जयंत से पूछे तो बेहतर होगा। शिवपाल पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव बोले, जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी खबर है, उनका बयान बहुत कुछ कहता है। अब सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन बना था दो युवा चेहरों का, क्या उस गठबंधन में किसी तरह की कोई दरार आ रही है? क्योंकि जयंत चौधरी आज पहुंचे आजम परिवार से मुलाकात करने के लिए। अब जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया इस पर, तो उन्होंने कहा कि मैंने जयंत को आजम के परिवार के पास नहीं भेजा, ये सवाल आप जयंत से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको ये याद दिला दें कि आजम खान की जो नाराजगी है, उनके परिवार की जो नाराजगी है, वो लगातार सामने आ रही है। एक के बाद एक आजम समर्थकों के इस्तीफे हो रहे हैं, और इस बीच जयंत चौधरी का मिलना, उस पर अखिलेश यादव का ये बयान आना, कई सियासी समीकरणों को जन्म दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या जानकारी, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने जयंत को लेकर? हमने अखिलेश यादव से ये कहा कि आजम खान परिवार और अतीम आजम को कहीं ना कहीं आपसे नाराजगी है, और जयंत चौधरी खुद आज उनसे मिलने पहुंचे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल आप उनसे बेहतर रहेगा आप उनसे पूछें। कहीं ना कहीं चेहरे पर उनके झुंझलाहट नजर आ रही है। इसके साथ ही जब हमने उनसे कहा कि आपने उनको भेजा है, तो उन्होंने कहा कि तुम बेईमान हो। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वो गलती फिर से लगातार कर रहे हैं जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान वो लगातार पत्रकारों को टारगेट करते रहे, वो लगातार पुलिस को टारगेट करते रहे, कहीं ना कहीं उनकी एक जो इमेज बनी कि अगर सरकार आती है तो स्थिति क्या रहती है। कुल मिला के जिस तरीके से अभी भी जो कहा जाए इमेच्योर जो प्लेयर का जो रोल है वो अखिलेश यादव प्ले कर रहे हैं। सवालों का, तीखे सवालों का जवाब किस तरीके से सारगर्भित और सहजता से अखिलेश यादव को देना चाहिए, शायद अखिलेश यादव नहीं दे पा रहे हैं, टेंपर लूज कर रहे हैं। और आज हमने जब सवाल किया, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव का जो एक सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, अगर उनके ही सबसे महत्वपूर्ण नेता के यहाँ जाते हैं जो 2.5 साल से जेल में बंद हैं, और ये जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये उनके यहाँ जाने के पीछे का मकसद क्या है, तो कहीं ना कहीं उनके झुंझलाहट नजर आती है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा हमला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार ही अवैध है, ये सरकार लगातार मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों पर हमले कर रही है, लगातार बुलडोजर चलाना क्या इसका प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके भी अभी कहा है, क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को का चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख दिया जाए। तो जिस तरीके से जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई आज पूरे दिन देखने को मिली, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। लेकिन अखिलेश यादव का जिस तरह से शॉर्ट टेंपर होना, लगातार टेंपर लूज करना, ये बता रहा है कि अखिलेश यादव इस समय विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से उनको एक मैच्योर लीडर की भूमिका में रहना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे हैं, और वही गलतियां कर रहे हैं जो उन्होंने इलेक्शन के दरमियान कई सारी ऐसी गलतियां की, ऐसी लूज टॉक की, जिसका खामियाजा उन्होंने विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। तो कुल मिला के कहा जाए अखिलेश यादव यहाँ आए हैं, ये ठीक है, और इसको लेकर हमने रामजीलाल सोमन पर आप हमले बोल रहे हैं वो ठीक है, विपक्ष में हैं आप हमले बोल सकते हैं, सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो जवाबदेही आपकी है, आप अपनों से अगर आपके लिए सवाल पूछे जाएंगे आपके ही अपनों के लिए, तो उन सवालों का जवाब कौन देगा? अखिलेश यादव ही तो देंगे। देखिए, बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव, सवाल ये है किस तरीके से अखिलेश यादव, सैफई कुनबा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव लगातार जब हमने उनसे कन्नौज में पूछा तो उन्होंने कहा आप समय व्यर्थ ना करिए। इसके साथ ही जब हमने मैनपुरी में उनसे कहा कि शिवपाल और टीम आजम को लेकर जब उनसे सवाल किया, तो उनका कहना था कि जो परिवारवाद का आरोप जो हम पर लग रहा है बीजेपी उसको खुद खत्म कर रही है। इसके साथ ही आज उन्होंने और एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये सवाल आप जयंत चौधरी से पूछे, यानी यहाँ तक उन्होंने अपने और को कहा जाए एंगर लूज, टेंपर लूज करते हुए बेईमान तक बता दिया, और कहा वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि उनकी झुंझलाहट का प्रतीक है, जी कहा जाए हताशा निराशा का प्रतीक है कि जिस तरीके से इस एडवर्स सिचुएशन में एक लीडर को जो अपनी भूमिका प्ले करनी चाहिए उसको सुनवा देना बहुत जरूरी है। नितिन, तो जल्दी से सुनवा देते अपने दर्शकों को कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा है जयंत चौधरी के सवाल पर। लगातार
वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। आजम खान साहब के परिवार से मिले हैं जैन, ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है। नहीं, मैंने नहीं भेजा। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। आजम खान साहब के परिवार से मिले हैं जैन, ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है। नहीं, मैंने नहीं भेजा।